Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे. तो students, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन is related to the chapter vector algebra. Okay, students, इससे पहले मैं आपको vector algebra से definition of the vectors, scalar and vector quantity, types of the vectors, position vector, section formula for internal external division, midpoint formula और कुछ most important questions मैं आपको already करवा चुका हूँ, जिसका link मैंने अपने YouTube channel के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी चैप्टर वेक्टर एल्जेब्रा को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from vector algebra. But before starting this question, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक lecture की update video time to time मिलती रहे. मैं इसके सीना MIS channel में आपका स्वागत करता हूँ. तो आइए students, आज कुछ नया करते हैं. Okay, the question is, prove that the median of a triangle meet in a point. देखिए स्टूडेंट्स, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी आ चुका है. ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ओके, और मैं यहां पे कुछ पॉइंट लूंगा. ओके, और वो पॉइंट किस तरह के होंगे, देखिए, दिस पॉइंट इज ए, बी और ये सी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए, चलिए हम ट्रायंगल, जैसे जैसे हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसी तरह से हम, मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से हम पॉइंट्स ले रहे हैं और हमने कैसे ये पॉइंट यहां पे मीट करते हैं इस ट्रायंगल पे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल A, B, C be the triangle and D, E and this F. ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट D, E and F कैसे पॉइंट्स, हमारे मिड पॉइंट्स ट्रायंगल एंड D, E F be the midpoints of BC, AC and AB. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट ABC, आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, समझ में आ रहा ना, देखिए आपको कि मैंने क्या कहा, लेट ABC be the ट्रायंगल एंड DEF बी द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC एंड AB. ओके स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टिवली. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, लेट AD, ये जो आपकी AD लाइन है, ओके, लेट AD बी द मीडियन. स्टूडेंट्स, मैं यहां से एक बार मैं मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए ये यहां से इस लाइन पे, और एक मीडियन में ड्रॉ करूंगा यहां से ये ई, और थर्ड मीडियन इज फ्रॉम हियर टू सी एफ. ठीक है, तो मैंने लिया लेट ए डी बी द मीडियन लेट AD be the median
of the median, let AD be the median of the median of the triangle through vertex A and G. ठीक है students, ये जो है point यहाँ पे, ये points मैंने ले लिया, जो कि किससे throw करता है ये, through the triangle, triangle through the vertex A and G. ठीक है students, तो okay, let AD be the median of the, let AD be the median of the median of the triangle through the vertex A and Z be the centroid of a triangle, be the centroid of the triangle, आप ऐसे ही लिखिए इसको, be the centroid of the triangle dividing AD in the ratio AD in the ratio 2 ratio 1. ठीक है students, तो let A vector, B vector and C vector be the position vector of A, B and C respectively. ठीक है students, A vector, B vector and C vector. ठीक है students, be the position vector of A, B and C respectively. Okay, thus the position vector of D, thus the position vector of D, तो D के जो position vector students कैसे हैं, is position vector of D. Okay, तो it means B vector plus C vector divide by 2. ठीक है students, तो मैं यहां ले लेता हूं, देखिए b vector plus c vector divide by 2, जो कि d के आगे हमारे पास position vector, as z, point z divide ad in the ratio 2 ratio 1. ठीक है ना students, ये ad g डिवाइड इन द रेशियो 2 ratio 1. ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ g इज ये पोजीशन वेक्टर g है, ये g है इसके पोजीशन वेक्टर, 2 मल्टीप्लाई विद, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे 2 इनटू b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इनटू A vector divide by 2 plus 1. ठीक है students, and this is equal to A vector, this 2 cancel and this become A vector plus B vector plus C vector divide by 3. ठीक है students, ये बन जाएंगे आपके. Okay, तो ये क्या गया आपके पास, as Z, this Z divide AD, okay, in the ratio 2 ratio 1. ओके, बिकॉज द सेंट्रल फार्मूला, जो सेंट्रोइड फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ओके okay, उसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को करेंगे कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द जी एंड दिस जी डिवाइड एडी इन द रेशियो 2 ratio 1, द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, दिस जी मल्टीप्लाई 2 विद एंड दिस, ओके, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ओके, सो हियर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3. ओके, सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसके भी निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ दी बी एंड सी एफ,
ओके बी एंड सी एफ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं देखिए अगर मैं ई के पोजिशन वैक्टर यहाँ फाइंड आउट करता हूँ क्या हो जाए, ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई टू, ध्यान दो इधर आप, ई ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड, अगर देखिए मैं आपको यहाँ मैं ले लेता हूँ, देखिए ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई टू, और एफ क्या है आपका ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइड बाई टू, जो कि इसको अब डिवाइड करता है इन दी रेशो टू रेशो वन में बी ई को, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ ए सी की तो ये डिवाइड करता है इसको इस लाइन को डिवाइड इन दी रेशो टू रेशो वन में, ठीक है, लेकिन जी इज दी सेंट्रोइड, जी जी हमारा है जो कि जी जी क्या है हमारा जी सभी जो मीडियंस हैं जो हमारी लाइन्स हैं ए बी बी सी और ए सी इसको डिवाइड करता है इन दी रेशो टू रेशो वन में, ओके स्टूडेंट्स जी आप हम चाहे ए डी ले लें या बी ई की तरफ से ले लें टू रेशो वन यहाँ पे आ जाएगा टू रेशो वन, अगर मैं सी एफ की बात करता हूँ तो टू रेशो वन यहाँ पे आ जाएगा, ओके लेकिन दोनों तरफ से वैल्यू हमारी सेम आएगी जो कि क्या आएगी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई थ्री, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो डैट द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट्स The position vector of the points which divides median BE and CF आ गया ना यहाँ पे BE and CF जो आपके ये points है देखिए this BE and CF in the ratio यहाँ पे लिखिए आप in the ratio टू रेशो वन, ठीक है स्टूडेंट्स बी ई एंड सी एफ ये भी इसलिए मैं लिखा सिमिलरली वी कैन शो डैट द पॉइंट ऑफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स मीडियन बी ई एंड सी एफ इन द रेशो टू रेशो वन, और इस पे भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी आर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई थ्री, यही आएगी इस पे आप निकाल के देख लीजिए, ओके तो thus all the medians pass through the vertex thus all the medians jitne bhi hamare medians hain becf thus all the medians pass through the points with the position vector a vector plus b vector plus c vector divided by 3, okay so therefore the median of the triangle to kya jayega students aapke paas dekhiye ki therefore the median of the triangle meet in a point therefore the median of a triangle meet at a point okay तो इससे आपको क्या प्रूव होता है कि जो भी हमारे पॉइंट्स हैं मीडियम के वो चाहे हम बी ई ले सी एफ ले या ए डी ले ठीक है ना वो हमारे एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं जो कि हमारे क्या पॉइंट है जी है और वो पॉइंट्स क्या है हमारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय थ्री ओके स्टूडेंट्स जो कि हर एक मीडियन को हर एक लाइन को जो कि हमारा मीडियन है हर एक लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशो टू रेशो वन में ओके तो आई रिपीट अगेन देखिए स्टूडेंट्स आप चाहे मीडियन ए डी ले लें डिवाइड इन द टू रेशो वन ओके और या फिर हम ले लें बी ई इन द रेशो टू रेशो वन एंड इट्स मिड पॉइंट इज ए प्लस ए वैक्टर प्लस सी पोजिशन ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई टू ओके एंड इन द रेशो टू रेशो वन टू मल्टीप्लाई विद दिस एंड देन यू गेट द सेम पोजिशन वैक्टर्स ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाई थ्री ओके तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन कि हाउ टू प्रूव द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल मीट इन अ पॉइंट जी ओके Yes, students, please tell me, have you any problem in these questions?
दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में आ चुका है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. और अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.